नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एयर टिकट से जुड़े सरकार के नोटिस और रिफंड के बारे में जानकारी देने जा रही हूं। फ्रेंड्स, सरकार ने एयरलाइंस को कैंसिल टिकट्स का रिफंड देने को कहा, तो जानिए कि एयरलाइंस की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। COVID-19 की वजह से नेशनल लॉकडाउन के दौरान सारी डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी हैं, तथा सरकार ने एयरलाइंस को इस दौरान बुक की गई टिकट्स के लिए पैसेंजर्स को फुल रिफंड देने के लिए कहा था, जिसकी एयर विस्तारा ने आलोचना भी की थी। जब रिफंड देने की बात आई तो अन्य सभी एयरलाइंस ने भी पैसेंजर्स को रिफंड की बजाय एक क्रेडिट नोट देना शुरू कर दिया। एयर विस्तारा ने रिफंड से जुड़े कुछ पहलू सरकार के आगे रखे थे, जिसका जस्टिफिकेशन आना अभी बाकी है। जैसा कि हम जानते हैं, यह लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, जो कि एक्सटेंड होकर 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, और सरकार के आदेशानुसार टिकट्स का रिफंड 3 हफ्तों तक पैसेंजर्स को देना था। होप दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यह जानकारी किसी और के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।